हेलो, वेलकम ऑल. आप सभी का इंजीनियरिंग मास्टर्स के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है. आज हम रैपिड फायर राउंड करने जा रहे हैं क्वेश्चंस का, जो कि आपके ड्राफ्टमैन हो गया, एसएससी जेईई हो गया, इन एग्जाम्स को टारगेट करने वाले हैं. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चंस हैं. इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन भी मिलेंगे, कुछ एडवांस भी होंगे, और हर सब्जेक्ट आपका कवर होता हुआ चलेगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. तो आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज. आपको अपनी स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहे होंगे. क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? 3.15, 3.10, 3 and 3.17. हम सभी को पता है जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो जो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, अगेन यहाँ पे भी दो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, एक मास और एक सॉलिड्स की वजह से. यहाँ जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंशन है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंशन है ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड्स है. तो फर्स्ट वाले का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 3.15. ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स डोमिनेट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. आप सभी को पता है कि जब हम सीमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला आता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन से? ली साकिमसा के नाम से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, या फिर हमने शॉर्टकट ट्रिक याद की हुई है, जिसमें सबसे पहले ऑक्साइड कौन सी होती है? लाइम की. अब यहाँ पे आपको लाइम तो कहीं पे लिखा हुआ दिखाई दे नहीं रहा होगा, लेकिन कैल्शियम होगा, क्योंकि वो जो लाइम हम ऑक्साइड की बात करते हैं CaO के टर्मिनोलॉजी में पढ़ते हैं, राइट. तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, अगेन सेकंड का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? सी हो जाएगा. क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डैश ग्लास इज नॉट अनब्रेकेबल बट रेजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस बेटर देन नॉर्मल ग्लास एंड व्हेन ब्रोकन द पीसेज आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज. तो यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है शीट ग्लास, दूसरा टेम्पर्ड ग्लास, तीसरा सोडा ग्लास और चौथा वायर्ड ग्लास. इन सब ग्लासेस में से आपने टेम्पर्ड ग्लास अगर देखा हुआ होगा तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है या पूछना चाह रहा है वो ये प्रॉपर्टीज टेम्पर्ड ग्लास में आपको मिलती हैं. तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? अगेन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3, टेम्पर्ड ग्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीजीआई रूफ कवरिंग स्टैंड्स फॉर. समटाइम्स ये जीसीआई शीट्स के नाम से भी क्वेश्चन पूछता है. ऑप्शन क्या है आपके पास? सीमेंट गॉश आयरन शीट्स, कॉरुगेटेड गैल्वनाइज्ड आयरन शीट्स, कॉरुगेटेड गुड आयरन शीट्स या कार्बन गैल्वनाइज्ड आयरन शीट्स. ये एसएससी जेईई का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है. तो इसको ऑप्शन क्या होता है? अगर जीसीआई शीट पूछेगा तो भी गैल्वनाइज्ड कॉरुगेटेड आयरन शीट्स, और सीजीआई पूछेगा तो कॉरुगेटेड गैल्वनाइज्ड आयरन शीट्स. तो इसको ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? बी इज द राइट आंसर, कॉरुगेटेड गैल्वनाइज्ड आयरन शीट्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टू मच वाटर इज एडेड टू द कंक्रीट द एक्सेस वाटर अलॉन्ग विद सीमेंट कम्स टू द सर्फेस एंड फॉर्म्स अ थिन लेयर ऑफ चालसी मटीरियल नोन एज. आप सभी को पता है, आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा ब्लीडिंग का, हम सब उसी में पढ़ते हैं कि भैया वाटर आ गया और सीमेंट को साथ लेके सर्फेस के ऊपर आ गया. लेकिन यहाँ पे हमसे उस प्रोसेस के बारे में नहीं पूछा गया है, उसने हमसे पूछा है उस थिन लेयर के बारे में जो वहाँ पे बन जाती है. तो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? सेग्रीगेशन, हम सबको पता है कि सेग्रीगेशन क्या होता है, एल्गी, ऑब्वियसली इट इज नॉट अ राइट आंसर, लेटियंस और देन ब्लीडिंग. ब्लीडिंग इज ऑल्सो नॉट अ राइट आंसर, क्योंकि मैंने बोला है तो प्रोसेस है ना. अब उसने तो उस लेयर के बारे में पूछा है, उस लेयर को क्या बोलते हैं? लेटियंस बोलते हैं. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? अगेन सी इज द राइट आंसर. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर क्वेश्चंस में भी कंसीडर कर सकते हैं और रिसेंटली पूछा भी जा चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ हाई एल्यूमिना सीमेंट. आप सभी को पता है जब मैं सीमेंट की बात करती हूँ और उसमें भी हाई एल्यूमिना की बात कर रही हूँ, तो ये सीमेंट पूरा का पूरा जो आप देखते हैं मैक्सिमम पार्ट बॉक्साइट ओर से आ रहा है, राइट. ये सीमेंट जो है अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है अगर ओपीसी या पीपीसी के ट्रेसेस आ जाते हैं सामने, राइट. और दूसरी चीज, ये सीमेंट आपका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो भी ज़्यादा देता है, फाइनल सेटिंग टाइम आपका इसका क्या होता है? कंपैरेटिवली कम होता है. तो हमारे पास ऑप्शन है 3.5 आवर्स एंड 5 आवर्स, मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम 3.5 आवर्स है, फाइनल सेटिंग टाइम 5 आवर्स है, या फिर ऑप्शन नंबर बी 30 मिनट्स एंड 10 आवर्स, या ऑप्शन सी 5 मिनट्स एंड 30 मिनट्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो क्या है? ए इज द राइट आंसर. ओके, तो लेट्स मूव टू द जस्ट बिकॉज इट इज रैपिड फायर राउंड, तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही कर रही हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. देखिएगा, द मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ अ ट्यूब वेल इज अबाउट, ये एनवायरमेंट से क्वेश्चन लिया गया है.
जो ट्यूबवेल होती है उसका जो मैक्सिमम डिस्चार्ज दिया जाता है ऑप्शन क्या, वो उसके बारे में पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना दे देती है। और देखिएगा ये लीटर्स पर सेकेंड में बोला हुआ है, तो 5 लीटर्स पर सेकेंड, 50 लीटर पर सेकेंड, 500 लीटर पर सेकेंड या फिर 1000 लीटर्स पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगेन बी इज द राइट आंसर। 8 का ऑप्शन आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज, परमिसेबल लिमिट, ये भी अगेन एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट पूछ रहा है फ्लोराइड की, जो कि पानी के अंदर होनी चाहिए। आप सभी को पता है फ्लोराइड अगर जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो क्या कर देता है, दांतों पे असर करता है या फिर बोन फ्लोरेसेंस कर देता है। तो इसकी मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट जो होती है पानी के अंदर वो कितनी होती है, इट इज 1.5। ऑप्शन आपके पास 0.1 मिलीग्राम पर लीटर, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, 5 मिलीग्राम पर लीटर, 10 मिलीग्राम पर लीटर दे रखे हैं। लेकिन जो परमिसेबल लिमिट है और जो मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट है कितनी मान के चलते हैं, 1.5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन इट्स टोटल एल्कलिनिटी द कार्बोनेट हार्डनेस विल बी इक्वल टू। आप सभी को पता है जब हम टोटल हार्डनेस की बात कर देते हैं, जब हम टोटल हार्डनेस की बात करते हैं तो बोलते हैं टोटल हार्डनेस बराबर है कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अभी क्या बोल रहा है, अगर आपके टोटल हार्डनेस जो है पानी के अंदर वो टोटल एल्कलिनिटी से क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, तो कार्बोनेट हार्डनेस किसके बराबर है। आप सभी को ये केसेस याद होंगे, आपके पास ऑप्शन क्या दे रखे हैं, टोटल एल्कलिनिटी, टोटल हार्डनेस माइनस टोटल एल्कलिनिटी या फिर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो जब भी ऐसा होता है कि टोटल हार्डनेस ज़्यादा हो गई है टोटल एल्कलिनिटी से, तो कार्बोनेट हार्डनेस आपकी टोटल एल्कलिनिटी के बराबर आ रही है। जब हम स्टैंडर्ड सिलिका स्केल की बात करते हैं तो टर्बिडिटी की लिमिट क्या होती है वो पूछ रहा है आपसे। तो इसकी लिमिट कितनी होती है, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 10 ppm, पार्ट्स पर मिलियन, 20 ppm, 30 ppm या 50 ppm। तो 11th का, इसमें नंबरिंग गलत है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। 11th का जो वो हो गया है आंसर, कितना, ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ओवरफ्लो रेट फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक इज अबाउट, अब ये देखिएगा यहाँ पे जो यूनिट्स है इस पे ध्यान दीजिएगा, लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर में दे रखा है। आपने जो पढ़ा होगा लीटर पर आर पर, सॉरी लीटर पर मीटर मीटर स्क्वायर पर डे के हिसाब से पढ़ा होगा, लेकिन ये यहाँ पे आर दे रखा है, आर के हिसाब से आंसर करना है। तो ओवरफ्लो रेट पूछा है प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का, 500 से 750, 1000 से 1250, 1250 से 1500 या 1500 से 2000 लीटर्स पर आर पर मीटर स्क्वायर, क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर 12th का जो राइट आंसर है वो कितना है, ए इज द राइट आंसर। अगेन बोलूंगी यहाँ पे नंबरिंग गलत है, दिस इज योर 12th क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज, एलएम एज अ कोगुलेंट इज फाउंड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव एंड पीएच रेंज ऑफ वाटर इज, एलएम एज अ कोगुलेंट यूज करते हैं, मोस्ट इफेक्टिव है जब आपका पीएच रेंज होता है पानी का कहां से कहां तक, बेसिक रेंज होता है, तभी ये एक इफेक्टिव कोगुलेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे अब ऐसा भी नहीं एक्सट्रीम बेसिक चाहिए, नॉर्मल रेंज चाहिए होता है मुझे, तो रेंज कितना होता है, 6.5 से 8.5 के अराउंड। यहाँ पे वो रेंज 6 टू 8 आप ले सकते हो, क्योंकि ऑप्शन वो है हमारे पास, तो हम ऑप्शंस के हिसाब से आंसर करते हैं। तो 13th का यहाँ पे हो गया क्या, सी इज द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, सीवरेज सिस्टम इज यूजली डिजाइन फॉर, सीवरेज सिस्टम आप घर में देखते हैं जो कमज वगैरह आप यूज कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर पार्ट ऑफ सीवरेज सिस्टम, वो कितने सालों के लिए डिजाइन होता है। तो 20 से 25 साल आप मान के चलते हैं कि वो उतना टाइम के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ऑप्शंस क्या है, 10 ईयर, 10 ईयर्स, 25 ईयर्स, 50 ईयर्स या 75 ईयर्स। तो इस केस में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगेन बोलूंगी नंबरिंग गलत है क्वेश्चन की, ये 14th क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो किससे ज्यादा होनी चाहिए, 50 मेगा पास्कल से ज्यादा, 100 मेगा पास्कल से ज्यादा, 150 मेगा पास्कल से ज्यादा या 200 मेगा पास्कल से ज्यादा, किससे ज्यादा, 100 मेगा पास्कल से ज्यादा। तो 15th का अगेन इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबरिंग गलत है, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ, आप सभी को बता रहे कि जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, मिनिमम सर्फेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वॉट,
सरफेस टेंशन। यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, विस्कोसिटी, एयर रेजिस्टेंस, सरफेस टेंशन, टेंशन फोर्सेस या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर है वो क्या है, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे 15 क्वेश्चन नंबर दे रखा है, बट 15 क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन नंबरिंग गलत हो रखी है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, इरिगेशन कैनाल्स आर जनरली अलाइंड अलोंग। तो जो कैनाल्स होती हैं वो जनरली, इरिगेशन इंजीनियरिंग का ये क्वेश्चन है, ये जो कैनाल्स होती हैं ये यूजुअली कैसे अलाइंड होती हैं, अलोंग द रिज लाइन। तो ऑप्शंस क्या है, रिज लाइन, कंटूर लाइन, वैली लाइन या स्ट्रेट लाइन। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, गार्नेट डायग्राम आर यूज फॉर ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ डिजाइन इक्वेशन ऑफ कैनाल बाय। आप सभी को पता है गार्नेट डायग्राम इज ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ कैनलीज थ्योरी। यहाँ पे ऑप्शन भी यहाँ है, लेसी थ्योरी, कैरेटी थ्योरी, गिब्स थ्योरी या लिंडले थ्योरी। तो ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अगेन क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, यूजफुल सॉइल मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ इज। आप सभी को पता है चार तरीके के मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, लेकिन ना तो हमारा हाइग्रोस्कोपिक किसी काम का है, ग्रेविटी वाटर तो नीचे चला जाता है, केमिकल वाटर एक तरीके का स्ट्रक्चरल वाटर है। तो यूजफुल क्या है जो प्लांट की ग्रोथ में अपना सहयोग देता है, कौन सा है, कैपिलरी वाटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, रिवर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिवर इज। आप सभी को पता है रिवर ट्रेनिंग वर्क्स क्या होते हैं, ऑप्शन क्या दे रखा है, मेंडरिंग, एग्रेडिंग, डिग्रेडिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी रिवर ट्रेनिंग वर्क जो जनरली प्रोवाइड किया जाता है या जनरली रिक्वायर्ड होता है, कौन सी रिवर के केस में होता है, मेंडरिंग रिवर के केस में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। मैंने बताया नंबरिंग गलत हो रखी है, कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20, यहां 19 मार्क किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, रेनफॉल डेप्थ वर्सेस टाइम, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम या फिर क्यूम्युलेटिव रेनफॉल वर्सेस टाइम। तो जो हाइड्रोग्राफ होता है इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द सिंक ऑफ वॉश बेसिन अबव फ्लोर लेवल इज केप्ट एज। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है ये अगेन, 40 से 50 सेंटीमीटर, 50 से 60 सेंटीमीटर, 60 से 70 सेंटीमीटर या फिर 70 से 80 सेंटीमीटर। तो जो सिंक का हाइट होता है वॉश बेसिन के, वो फ्लोर लेवल से कितना ऊपर रखा जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 75 से 80 सेंटीमीटर के अराउंड। यहाँ पे ऑप्शन डी उसी के साथ जाएगा, 22 का आंसर क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर। अगेन बोलूंगी क्वेश्चन नंबरिंग गलत है, कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The gases that evolve out of a sludge digestion tank mainly consist of, sludge digestion tank हम सभी को पता है कि क्या होता है और वहाँ से कुछ gases भी निकलती हैं। ऑप्शन दे रखा है इसने, कार्बन, क्या वो गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मिथेन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो गैसेज स्लज डाइजेशन टैंक से निकल रही हैं वो मेनली किसकी बनी, मेनली कौन सी गैसेज होती हैं, मिथेन होती है वो मेनली। तो यहाँ पर आपका 23 का आंसर हो गया, सी इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 24th, द यूजुअल डिटेंशन पीरियड इन आवर्स फॉर ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स इज जनरली रेंजिंग बिटवीन 12 टू 15 आवर्स, 4 टू 6 आवर्स, 6 टू 9 आवर्स या 16 टू 20 आवर्स। डिटेंशन पीरियड के बारे में बात कर रहा है और ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स के लिए पूछ रहा है। तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स में डिटेंशन पीरियड होता है वो कितना होता है, 12 से 15 घंटे होता है। तो यहाँ पे अगेन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे The acceptable limit of total hardness as CaCO3 as per Indian standard is, total hardness पूछ रहा है, उसकी acceptable limit पूछ रहा है। सभी को पता है जो हमारी जो hardness होती है, total hardness का जो limit रहता है वो range क्या रहता है, 200 से 400 के around रहता है, क्या mg per liter के around, है ना। तो यहाँ पर तो मुझे ना 200 दिख रहा है ना 400 दिख रहा है, तो हमारा option nearby देख लेते हैं, कौन सा, 300, कम तो होगा नहीं ज्यादा, इसलिए रेंज के बीच में आ रहा है। तो ए इज द राइट आंसर। 24th के केस में अगेन ऑप्शन क्या थे, 300, 500, 100 और 150। तो यहाँ पर हम देखेंगे
ये कितना हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ये 25th क्वेश्चन था आपका, मार्किंग गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। इन द प्रोसेस ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ वाटर द एप्लीकेशन ऑफ क्लोरिन बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट इज, वो पूछ रहा है क्लोरिनेशन के प्रोसेस में जो आपने क्लोरिन अप्लाई किया ब्रेक पॉइंट के बाद उसको क्या बोला जाता है, डबल क्लोरिनेशन, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, पोस्ट क्लोरिनेशन या सुपर क्लोरिनेशन। देखिएगा, जब भी आपका क्लोरिनेशन आफ्टर या बियॉन्ड ब्रेक पॉइंट होगा, ना तो आप उसको डबल क्लोरिनेशन बोलेंगे, ना ब्रेक पॉइंट, ना पोस्ट, क्या बोलेंगे, सुपर क्लोरिनेशन। क्या बोलेंगे उसको, सुपर क्लोरिनेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आई होप क्लास ये रैपिड फायर राउंड आप लोगों को पसंद आया हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के लिए आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर तिवारी टू कम हियर एंड एक्सप्लेन यू अदर ऑब्जेक्टिव्स फॉर द फॉर इन ऑर्डर टू कवर द अदर सब्जेक्ट्स। ओके, थैंक यू क्लास, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए हो। किसी को कोई भी क्वेरी हो प्लीज लेट अस नो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, सो वेलकम स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के रैपिड राउंड में हम अब क्वेश्चन करने वाले हैं सॉइल, आरसीसी, स्टील एंड सोम के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 26 क्वेश्चन हम करें, द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट, यानी 26 क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इसको क्या बोलते हैं आपका, लिक्विडिटी इंडेक्स। क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी इंडेक्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सो नाउ 27, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेरियल विल हैव द लीस्ट परमेबिलिटी, तो निम्न में से किसकी सबसे कम परमेबिलिटी है, क्वेश्चन है, ग्रेवल, बी सिल्ट, ऑप्शन सी क्ले, ऑप्शन डी सैंड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्ले हैव लीस्ट परमेबिलिटी। तो 27 क्वेश्चन का आंसर है सी, द लीस्ट परमेबल सॉइल इज क्ले एंड ग्रेवल इज मोस्ट परमेबल। सो नाउ 28, टू स्ट्रक्चर स्टील प्लेट ऑफ थिकनेस 12 mm and 14 mm are to be welded together. So, two plate हैं जिनकी thickness आपकी 12 mm and कितनी है आपकी 14 mm thickness की आपकी दो प्लेट हैं welded together. What will be the maximum size of fillet weld? So, तो ये जो fillet weld है इसका maximum size पूछा गया है, तो maximum size of weld जो होता है वो क्या होता है, thickness, minimum thickness of plate minus 1.5. So, 12 mm और 14 mm में 12 mm मिनिमम है, माइनस 1.5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10.5 mm. सो द राइट आंसर ऑफ 28 इज ऑप्शन नंबर बी। सो नाउ 29 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 456 व्हाट इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स इन केस ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स व्हेन डेड एंड लाइव लोड आर टेकन इनटू अकाउंट। तो जब डेड लोड एंड लाइव लोड आप एक साथ देते हैं, डेड लोड प्लस लाइव लोड, तो इसमें एक लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि आप अल्टीमेट लोड में कवर कर सके इसको, दैट इज 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड। सो द राइट आंसर ऑफ 29 इज ऑप्शन डी। 30, फिलेट वेल्ड मटेरियल कैन फेल इन, जो फिलेट वेल्ड होता है वो मेनली किसमें फेल होता है, जैसे मान लो कोई दो मटेरियल है इनको हमने फिलेट वेल्ड में जोड़ा इस तरह से, फिलेट वेल्ड के हेल्प से, तो मेनली किसमें फेल होते हैं ये बोला जा रहा है, तो फिलेट वेल्ड आर मेनली फेल इन शियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो 30 का आंसर है आपका सी। नाउ द मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार इन ए कॉलम इज, जो लॉन्गिट्यूडिनल बार होते हैं जिनको हम कॉम्प्रेशन रेइनफोर्समेंट बोल सकते हैं, वो उनका मिनिमम डाया पूछा जा रहा है 6, 8, 12 और 16। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 12 mm। सबको अपने मन में भी आप आंसर सोच रहे होंगे, बिल्कुल 12 mm आपका मिनिमम डाया होता है लॉन्गिट्यूडनल बार का। 32, फॉर ए ट्राइंगुलर सेक्शन, फॉर ए ट्राइंगुलर सेक्शन द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स बेस एंड अबाउट ए सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू इट्स बेस। तो बोल रहा है कोई एक ट्राइंगुलर सेक्शन है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो बताओ जो आपका सेंट्रोइडल और उसके अबाउट हो, यानी बेस के अबाउट। तो बेस के अबाउट कितना होता है, बी एच स्क्वायर बाई 12 और सेंट्रोइड के अबाउट बी एच स्क्वायर अपॉन 36। तो इनका रेशियो पूछा हुआ है, तो बी एच स्क्वायर अपॉन 12 बट्टे बी एच स्क्वायर अपॉन 36, तो बी एच स्क्वायर से बी एच स्क्वायर 3, तो रेशियो कितना आ गया, यानी बेस के अबाउट, ये बेस हो गया इसका, सपोज 1:1 बेस है और ये हो गया इसका किसके अबाउट, इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, तो 3 इसका राइट आंसर है। तो 32 का आया आपका राइट आंसर सी। नाउ 33 क्वेश्चन,
एज पर आईएस 800 द मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट इन कॉम्प्रेशन मेंबर ऑफ थिकनेस टी इज लेसर ऑफ, कि जो आपका आईएस 800 है मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट इन कॉम्प्रेशन पूछा गया है, तो मैक्सिमम पिच जो पी मैक्सिमम होगी, जो मैक्सिमम पिच होगी दैट इज इक्वल टू क्या होती है 200 mm और 12 t, जहां पर टी क्या है थिकनेस ऑफ मेंबर, इन दोनों में से जो भी क्या होगा आपका मिनिमम। सो द राइट आंसर ऑफ 33 इज ए, 33 का राइट आंसर जो ए सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। नाउ द लैप लेंथ इन कॉम्प्रेशन सेल नॉट बी लेस देन, अब लैप लेंथ के बारे में पूछा हुआ है, यानी कि जब दो बार आपने इस तरह से जोड़ रखे हैं ताकि इंक्रीज हो जाए इन बार का मीन्स की लेंथ, तो ये जो लैप लेंथ है ये जो कॉम्प्रेशन में अगर हो शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होनी चाहिए 24 times of 5, या डी बोल सकते हैं अगर डी इसका डायामीटर है 24 times of d, जहां पर डी बार का क्या है आपका डाया है। सो द राइट आंसर ऑफ 34 इज ऑप्शन सी। नाउ 35 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द शेयर फोर्स फॉर ए सेक्शन वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज कॉन्स्टेंट, तो कोई भी एक आपका मीन्स की सपोज ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, अगर ये बेंडिंग मोमेंट, हम क्वेश्चन नंबर 35 पे हैं, अगर आपका बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो गया, एम कांस्टेंट है, तो शियर फोर्स क्या होगा, तो एम है आपका कांस्टेंट, अगर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा तो डीएम अपॉन डीएक्स क्या हो जाएगा जीरो, डीएम अपॉन डीएक्स क्या होता है शियर फोर्स, तो शियर फोर्स विल बी जीरो, तो जिन्हीं दो सेक्शन के बीच में बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट आता है शियर फोर्स जीरो। सो 35 का राइट आंसर है सी। 36, व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट फॉर प्री टेंशन मेंबर, कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट पूछा हुआ है किसके लिए, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए जब वो प्री टेंशन मेंबर में हो, तो मिनिमम ग्रेड जो होता है प्री टेंशन के लिए M40, अगर प्री टेंशन की बात करें प्री टेंशन में, और अगर पोस्ट टेंशन की बात करें तो पोस्ट टेंशन का पूछा जाता है तो पोस्ट टेंशन में रहता है कितना M30। सो अभी प्री टेंशन पूछा हुआ है तो द राइट आंसर ऑप्शन डी। सो जो भी आपका 36 का डी सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं 36 का डी। 37, इफ द अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए सैचुरेटेड क्ले, अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ दे रखी है यानी कि UCS जिसको हम QU से भी दिखाते हैं इज इक्वल टू कितनी दे रखी है 360 kilopascal, तो पूछ रहा है व्हाट विल बी एस्टिमेटेड शियर स्ट्रेंथ। अब सबको पता है QU इक्वल टू या आपका क्या होता है 2C, या C इक्वल टू क्या हो जाएगा QU अपॉन 2, सो दैट इज 360/2, दैट इज कितना 180। अब शियर स्ट्रेंथ फॉर्मूला क्या होता है दैट इज C प्लस सिग्मा बाय टेन फाई। अब आपको पता है एक ऐसी सॉइल है दैट इज अनकन्फाइंड सैचुरेटेड क्ले, तो क्ले के लिए फाई जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया, तो टाउ इक्वल टू इसके बराबर सी, सी कितना है आपका 180। सो द राइट आंसर ऑफ 37 इज ऑप्शन ए, तो 37 का ए है 180 kilopascal। 37, नाउ 38, एज पर IS यानी इंडियन स्टैंडर्ड द pH ऑफ वाटर यूज्ड फॉर कंक्रीट शुड नॉट बी लेस देन, IS कोड ने बोला हुआ है कि जो pH है शुड नॉट बी लेस देन 6, तो राइट आंसर ऑफ 38 इज ऑप्शन डी, बिल्कुल pH 6 से नीचे नहीं होना चाहिए, सो राइट आंसर इज डी। 39, एज पर IS 800 व्हाट इज द अलाउएबल इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो फॉर ए मेंबर कैरिंग कॉम्प्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड्स एंड इम्पोज्ड लोड, तो आपको पूछा हुआ है जब डेड लोड प्लस लाइव लोड लगे तो उसके लिए स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है, तो स्लेंडरनेस रेशियो फॉर कॉम्प्रेशन मेंबर अगर आपका ये जो कॉम्प्रेशन आ रहा है ड्यू टू डेड लोड और लाइव लोड तो 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सो 39 का आंसर है सी, तो लैम्डा लिमिटिंग है आपका 180, सो 39 का ऑप्शन सी। नाउ 40, द एवरेज परमिसेबल स्ट्रेस इन बॉन्ड फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन, तो परमिसेबल स्ट्रेस है आपका प्लेन बार इन टेंशन, उसको इंक्रीज बाय 10% करते हैं या इंक्रीज बाय 25% करते हैं या डिक्रीज बाय 10% या डिक्रीज बाय 25%, तो आपको पता है जो टाउ बीडी की वैल्यू है दैट विल बी इंक्रीज बाय 25% इंक्रीज जब बार किस्म हो आपका कंप्रेशन में, जब बार किस्म हो आपका कंप्रेशन में, ठीक है ना। सो द राइट आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन बी, 40 का ऑप्शन बी। नाउ
41 डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट. तो डिफ्लेक्शन, तो लिमिटिंग डिफ्लेक्शन यानी सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको पता है एल बाई डी रेशियो को क्या कर देते हैं, यानी स्पैन बाई डेप्थ के रेशियो को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. जैसे सबको पता है 7, 20 और 26 ये किस चीज के लिए होता है, फॉर डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए. 7 कैंटिलीवर के लिए, 20 सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, और ये किसके लिए, कंटिन्यूस के लिए. सो द राइट आंसर इज स्पैन टू डेप्थ रेशियो. डिफ्लेक्शन कैसे कंट्रोल करेंगे, बाय स्पैन टू डेप्थ रेशियो को कंट्रोल करके. तो 41 का सी आंसर. 42 द लिमिटिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग, यानी कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन होता है कंक्रीट में बेंडिंग में कितना होता है, 0.0035, 0.0015, 0.0025 या 0.015. सो बहुत आसान क्वेश्चन. सो 42 का आपको पता है मैक्सिमम स्ट्रेन इन बेंडिंग शुड बी 0.0035. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ 43, ए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब इज 75 mm थिक, द मैक्सिमम साइज ऑफ रीइंफोर्समेंट बार दैट कैन बी यूज. तो स्लैब में जो मैक्सिमम डाया होता है, जो डाया मैक्सिमम होता है, दैट शुड नॉट बी मोर देन थिकनेस ऑफ बार, जो थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब बाई क्या होता है 8. अब शुड नॉट बी मोर देन थिकनेस ऑफ स्लैब कितना है 75 बाई 8. तो डाया शुड नॉट बी, तो शुड नॉट बी मोर देन इसको सॉल्व किया तो 9.375. तो डाया जो मैक्सिमम होना चाहिए 9.375 से ऊपर नहीं होना चाहिए. तो 9 उससे ऊपर जो भी ऑप्शन है गलत. तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता. अब तो जो इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 mm, क्योंकि 10 mm नहीं हो सकता, क्योंकि डाया थिकनेस ऑफ स्लैब बाई 8 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता. तो अगर 10 करोगे तो 9.375 mm से ज्यादा हो जाएगा, जो गलत आंसर. सो द राइट आंसर इज सी, दैट इज 43 का राइट आंसर है सी. नाउ 44, इन ए कैंटिलीवर बीम कैरिंग ग्रेविटी लोड मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड. तो जब आपका कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम में सबको पता है क्या होता है, ये कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम में जनरली होगिंग आती है. तो होगिंग आने के कारण ऊपर क्या होता है, आपका टेंशन, नीचे कॉम्प्रेशन. तो जो आपका मेन रीइंफोर्समेंट है यानी कि वो ग्रेविटी लोड के कारण आपका कहां प्रोवाइड होगा, अबव द न्यूट्रल एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस के कहां, ऊपर, टू टेक केयर ऑफ दिस टेंशन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 44 का ए. 45, which of the soil is transported by gravitational force? कौन सी soil है जो gravitational force है? Lowest तो आपको पता है wind blown silt है, talus. तो 45 का right answer होगा बिल्कुल B, जो B सोच रहे हैं talus. 45 का B, talus. Drift आपको पता ही है आपकी जो glacier के द्वारा होती है, और alluvial soil जो आपकी river से द्वारा होती है. तो 45 का है B, talus soil. 46, बेंटोनाइट इज ए मेटेरियल ऑब्टेन ड्यू टू वेदरिंग ऑफ. तो बेंटोनाइट जो है वो किसके द्वारा बनती है, लाइमस्टोन के द्वारा, सैंडस्टोन के द्वारा, या बेसाल्ट के द्वारा, या वोल्केनिक आश. आपको पता है बेंटोनाइट एक आपकी बहुत प्लास्टिक सॉइल है जो कि बनती है वेदरिंग ऑफ वोल्केनिक आश, जो आपकी राख होती है, जब वोल्केनो फटता है तो जो राख से ठंडी मिट्टी होती है उसके द्वारा जो बनती है उसको बेंटोनाइट बोलते हैं. तो 46 का है ऑप्शन डी, वोल्केनिक आश. 47, Which of the following is a tension member? निम्न में से कौन सा टेंशन मेंबर है, बूम. बूम तो आपको पता है कॉम्प्रेशन मेंबर है जो कि क्रेन में यूज होता है. स्ट्रट आपका अगेन कॉम्प्रेशन मेंबर है जो आपका ट्रस में लगते हैं. कॉलम भी एक कॉम्प्रेशन मेंबर है. तो टेंशन मेंबर इसमें क्या है, डी, टाई मेंबर, जो ट्रस में टेंशन ले जाते हैं. तो 47 का है ऑप्शन डी. नाउ 48 क्वेश्चन, वट इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट ऑफ क्लास 4.6. तो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट ऑफ क्लास 4.6 पूछा हुआ है. तो जब 4.6 है तो 4.6 में आपको पता है ये जो 4 होता है ये क्या होता है, 1/100 टाइम्स ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होता है 4. तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना हो गया, दैट इज 400 मेगा पास्कल. और ये जो दशमलव के बाद होता है ये किस किस का रेशियो रहता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट या यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और अल्टीमेट स्ट्रेंथ का रेशियो कितना, 0.6. तो यील्ड स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 0.6 टाइम्स ऑफ FU. तो 0.6 FU कितना है, 400. तो कितना हो जाएगा, 240 मेगा पास्कल. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 4.6 का आंसर है बी, 48 का आंसर है बी, 240 मेगा पास्कल या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. देखो दशमलव से पहले वाला होता है 1/100 ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और दशमलव के बाद का जो रहता है ग्रेड में वो यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ का रेशियो रहता है. तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ हम निकाल चुके थे तो 240. तो 48 का आंसर है बी.
नाउ 49 थ्रोट थिकनेस ऑफ बट वेंट फॉर इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन इज, तो थ्रोट थिकनेस पूछी हुई है किसकी, बट वेल्ड की फॉर इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। तो ये आपका मीन्स की जैसे बट वेल्ड सब जानते ही हैं, ग्रूव वेल्ड भी इसको बोलते हैं, तो इसमें अगर हम दो प्लेट को फेस टू फेस जोड़ दें और इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हो रहा है, जैसे सिंगल यू वेल्ड या आपका सिंगल वी हो या सिंगल यू हो, ठीक है ना, तो इसमें जो थ्रोट थिकनेस है वो क्या दी जाती है, तो जब आपका पार्शियल या इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होगा तो जो थ्रोट थिकनेस दी जाती है दैट इज गिवन एज 5/8 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट टी मिनिमम, जो भी ये T1 है सपोज T2 है, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा। सो द राइट आंसर ऑफ 49 इज ए, द राइट आंसर ऑफ 49 इज ए। नाउ 50 क्वेश्चन, इफेक्टिव स्ट्रेस इन अ सॉइल इज द स्ट्रेस कॉज्ड बाय डी, तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है वो किसके द्वारा कॉज होता है, सॉइल मास एट ए होल, पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर को तो न्यूट्रल प्रेशर भी बोलते हैं जो कि किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा, एयर प्रेशर इन द वर्ल्ड्स, एयर के द्वारा भी नहीं होता है, तो सॉलिड प्रेजेंट इन द सॉइल मास, तो इंटरग्रेनुलर यानी सॉलिड टू सॉलिड कॉन्टैक्ट प्रेशर, जो सॉलिड और सॉलिड पार्टिकल के बीच में इंटरग्रेनुलर प्रेशर होता है, इंटरग्रेनुलर, ग्रेनुलर मींस ग्रेन है यानी सॉलिड पार्टिकल है, उसी को क्या बोलते हैं आपका इफेक्टिव स्ट्रेस। सो द राइट आंसर ऑफ 50 इज ऑप्शन डी, तो 50 का राइट आंसर क्या है आपका डी है। तो आपने रैपिड फायर राउंड में देखे कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं 26-50 फॉर सॉइल, सोम, आरसीसी एंड स्टील के। सो नाउ वी विल हैंड ओवर द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सीरीज टू मिस दीक्षा नोटल मैम, जो आपको और सब्जेक्ट्स लाइक सर्वेइंग, हाईवे, सीपीएम, एस्टिमेशन के क्वेश्चंस को कराएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हेलो एवरीवन। इस रैपिड फायर राउंड में मैं आपको हाईवे, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सर्वेइंग और थोड़ा बहुत सीपीएम पर्ट के क्वेश्चंस कराऊंगी, तो आप लोग बिल्कुल इस चीज के लिए तैयार है ना। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 51। ये क्या है कि द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन अ कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो आपको पता होगा कि जो हमारा रेशियो होता है वो क्या होता है, पी बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर, तो यहाँ से आपका डब्ल्यू इधर चला गया तो डब्ल्यू वी स्क्वायर बाई जी आर हो जाएगा, तो इसलिए 51 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो 51 का आपका आंसर हो जाएगा ए। Okay, now moving on to next question, that is 52. The ruling minimum radius of the curve for ruling speed v meter per second, coefficient of friction f, acceleration due to gravity g meter per second square and super elevation e is given by, अब आपको पता होगा कि जो इसकी equation होती है, ruling minimum radius है, जो जब भी हम निकालते हैं, wait, 51 का a, तो उसमें क्या होता है आपका 52 की बात अगर मैं करूं तो होती है e plus f is equal to v square by gr, right? तो आपका यहां से हमें रूलिंग मिनिमम रेडियस इधर लेके ये वाले टर्म इधर आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका c v square by e plus mu whole g। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 52 का आपका हो जाएगा c। ठीक है, 52 का c। Now moving on to 53rd question, that is the absolute minimum radius of curve for safe operation for a speed of 110 km per hour. अब देखो इसमें वही वाला scenario है कि v square by gr e plus mu. अब mu की value होती है 0.15, e की value अगर हम लेंगे 0.07 and हमें यहाँ से r निकालना है, v आपको already given है। ये सब आपको solve करके आपका answer आ जाएगा B, that is 440 meter. ठीक है, तो आपका आ गया 53 का B। Moving on to next question. देखिए next question पढ़ लिया। The length of a transition curve depend on the rate of change of what? तो यहाँ से आपको पता है कि length of transition curve किस पे depend करता है? वो सारे formulas जो आपको बताए मैंने। तो उसमें क्या आता है? Centrifugal acceleration. तो 54 का आपका हो जाएगा A. ठीक, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज 55। अब देखो 55 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक शेप इज नॉट यूज्ड एज अ ट्रांजिशन कर्व इन द अलाइनमेंट ऑफ हाईवे। हाईवे के अलाइनमेंट में कौन सा ऐसा शेप है जो ज्योमेट्रिक शेप में नहीं, मतलब हम उसे यूज करते हैं ट्रांजिशन कर्व में,
तो देखो सेमी सर्कल है, लेमनस्केड है, स्पाइरल है, क्यूबिक पैराबोला है. तो इन चारों में से सबसे मतलब अब देखो लेमनस्केड भी यूज करते हैं, स्पाइरल भी करते हैं, क्यूबिक पैराबोला भी करते हैं. ठीक है, तो विच अब देखो नॉट जरूर ध्यान रखना कि विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक शेप इज नॉट. कई लोग इस देख के कुछ भी इनमें से एक ऑप्शन देखा, अरे ये तो यही होगा आंसर, और पूरा ऑप्शन देखा ही नहीं. तो आप ना नॉट जरूर देखना, नॉट लिखा है तो उसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज सेमी सर्कल. सेमी सर्कल कुछ भी नहीं होता है. तो 55 का हो जाएगा आपका ए. ठीक, अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 56. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया एसोसिएटेड विद द डिजाइन ऑफ सैग वर्टिकल कर्व. ठीक है, कौन कौन से क्राइटेरिया है जो सैग वर्टिकल कर्व से एसोसिएटेड है. पहला होगा प्रोविजन ऑफ मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस ड्यूरिंग डे टाइम, या फिर एडिक्वेट ड्रेनेज, कंफर्टेबल ऑपरेशन, प्लेजेंट अपीयरेंस. अब देखो इसमें ए बी सी डी दे रखा है, 1, 2 और 4, 2 एंड 3, 2, 3 एंड 4 या फिर 1 एंड 3. अब देखो इसका आंसर एक्चुअली है सी, दैट इज 2, 3 एंड 4. 2 है आपका एडिक्वेट ड्रेनेज, कंफर्टेबल ऑपरेशन एंड प्लेजेंट अपीयरेंस. ये तीन है जो सैग वर्टिकल मैटर करते हैं. ठीक है, सैग वर्टिकल से एसोसिएटेड है, डिजाइनिंग ऑफ सैग वर्टिकल कर्व से. ओके, तो आंसर आपका 56 का हो जाएगा सी. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 57. विद ऑल अदर रिलेवेंट कंडीशन रिमेनिंग द सेम, स्पीड ऑफ व्हीकल नेगोशिएटिंग अ कर्व इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वेट ऑफ द व्हीकल, वेट ऑफ द व्हीकल 1/weight of the vehicle, या फिर 1/√weight of the vehicle. अब इसमें देखो क्या चीजें हैं आपका. एक है पी बाई, मैंने आपको बताया था पी बाई डब्ल्यू सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, वी स्क्वायर बाई जी आर होता है, राइट, ये पता है आपको. अब इसमें से आपको ये वेट है, अगर इसको अगर मैं यहां लेके जाऊं जी आर को, ठीक है, तो ये जी आर हो जाएगा आपका, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि पी बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर, राइट. अब इसमें क्या हो जाता है, पी जी आर अपॉन डब्ल्यू, और ये वी स्क्वायर हो जाएगा इस, ये यहाँ जाके अंडर रूट में आ जाएगा अगर हम इसे हटाएं, तो अंडर रूट 1/√w हो जाएगा. तो 1/√w आपका आंसर होगा, w आपका वेट ऑफ व्हीकल होता है. ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज 1/√weight ऑफ व्हीकल. गेटिंग, तो आपका जो 57 है उसका आंसर हो जाएगा डी. समझ आ गया होगा कैसे. नाउ मूविंग ऑन टू 58 क्वेश्चन. इसमें क्या है, फोर बेरिंग ऑफ अ लाइन इज 60 डिग्री, तो बैक बेरिंग ऑफ दिस लाइन इज व्हाट. अब देखो हमें पता है कि फोर बेरिंग का बैक बेरिंग जो होती है वो होती है फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री. ठीक है, अगर फोर बेरिंग आपका 180 से ज्यादा है तो आप माइनस कर दोगे, कम है तो आप ऐड कर दोगे. अब देखो यहाँ क्या है, कम है 60, तो आप ऐड कर दो, जो कि हो जाएगा 240 डिग्री. ठीक है, तो वो हो जाएगा 58 का सी. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 59. द मिनिमम जीपीएस, मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट नीडेड फॉर अ जीपीएस टू डिटरमाइन इट्स पोजीशन प्रिसाइजली, 2 होगा 3 होगा 4 होगा या 24 होगा. तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितनी होती है जीपीएस में, ये होती है आपकी डी, दैट इज 24. तो 59 का आपका हो जाएगा डी. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 60. द फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम अ लेवल स्टेशन इज व्हाट. पहली रीडिंग क्या होती है, जब भी हम कभी भी लेवल स्टेशन में जाते हैं तो वहां से सबसे पहली रीडिंग कौन सी होती है, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, बैक साइड या अदर साइड. तो हमें हमेशा पता है जब भी हम पहली रीडिंग लेते हैं वो आपकी होती है कौन सी, बैक साइड. समझ आ रही बात. और जो लास्ट रीडिंग होती है वो आती है आपकी फोर साइड. तो 60 का आपका हो जाएगा, 60 यहाँ लिख देती हूँ, 60 का आपका हो जाएगा बैक साइड, दैट इज सी. ठीक है, अब मूविंग ऑन टू 61 क्वेश्चन, दैट इज अब देखो ये है आपका ओपन चैनल फ्लो मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है. एट अ हाइड्रोलिक जंप द डेप्थ ऑफ टू साइड्स आर 0.4 मीटर एंड 1.4 मीटर. द हेड लॉस इन द जंप इज नियरली 1, 0.9, 0.7 या 0.45 मीटर. तो देखो इसका आप देख रहे हो, इसका इसका कैसे मैं सोल्यूशन दिखाऊंगी आपको पता है, एनर्जी लॉस. अब देखो हेड लॉस मतलब एनर्जी लॉस. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 y1 y2. अब देखो y1 आपका क्या हो गया 1.4, y2 आपका क्या हो गया 1.4, y1 हो गया 0.4. ठीक है, और वैसे ही 0.4 एंड 1.4. इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.45. तो आपका आंसर क्या हो गया 61 का डी. ठीक है, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसका तो डी हो गया. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 62. अब देखो ये भी आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम. इन अ 1 इन 50 मॉडल ऑफ स्पिल वे डिस्चार्ज इज, अगर इफ अ, अच्छा इन अ 1 इन 50 मॉडल ऑफ अ स्पिल वे डिस्चार्ज इज 3 m³/s. अगर इफ होना चाहिए था इन ईयर कि अगर एक 1 in 50 मॉडल आपको दे रखा है, मतलब आपका LR गिवन है आपको, ठीक है. इसमें क्या है, आपको स्पिल वे डिस्चार्ज गिवन है, दैट इज 3 m³/s. फाइंड द करस्पॉन्डिंग डिस्चार्ज इन द प्रोटोटाइप इन m³/s. आपको डिस्चार्ज प्रोटोटाइप में निकालना है, ठीक है. तो ये भी आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज आप देखो कैसे करेंगे, LM/LP क्या है आपका गिवन है, 1 LM/LP 1/50, राइट. तो अब देखो क्यू, ये आपका LR हो गया. QM/QP अगर मैं बोलूं तो वो क्या होता है, हमें पता है क्या होता है, A into V होता है ना, और VR अकॉर्डिंग टू, अब देखो स्पिलवे है तो हम कौन सा नंबर यूज करेंगे, फ्रॉड नंबर, ठीक है. तो फ्रॉड नंबर आपका होता है, इसकी वैल्यू होती है आपकी V की √LR, ठीक है. और वहां डिस्चार्ज हमें पता है क्या होता है, A into V यही तो होता है. तो A आपका LR स्क्वायर हो जाएगा और आपका V जो है वो √LR हो जाएगा, ठीक है, अगर हम पूरा बोलें तो इसका. तो देखो LR की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5/2, मतलब LR हो जाएगा आपका 5/2. और आपको किसका डिस्चार्ज निकालना है, प्रोटोटाइप का QP. हाँ, आपको डिस्चार्ज गिवन है किसका, प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज निकालना है, और आपको डिस्चार्ज ऑफ मॉडल गिवन है, दैट इज 3 m³/s. 3 गिवन है, LR आपको पता है 1/50 है, दैट इज 1/50 होल 5/2, राइट. अब ये आप इधर लेके जाओगे, आप सॉल्व करोगे और QP निकालोगे, तो आपका लास्ट में जो QP आएगा वो आपका आएगा 53033, ठीक है. तो 62 का आंसर आपका हो जाएगा C. गेटिंग, 62 का आपका आंसर क्या हो गया, C. ये फ्रॉड नंबर है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए फ्रॉड नंबर क्या है, तभी आप कर सकते हो. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका थोड़ा CPM पार्ट वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है. द टाइम करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज अ क्रैश टाइम, नॉर्मल टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, बिटवीन नॉर्मल एंड क्रैश टाइम. तो याद रखना कि जो टाइम करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का टाइम कौन सा टाइम होता है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ठीक है. तो 63 का आपका हो जाएगा सी, अगेन सी, ठीक है. Now moving on to 64th question, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा, नाम ही डिनोट कर रहा है. हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील विद द मैपिंग ऑफ व्हाट, मैपिंग ऑफ व्हाट, ठीक है. लार्ज वाटर बॉडीज, रेनफॉल डेटा, वेव मैनेजमेंट, या नन ऑफ द अबव. अब देखो हाइड्रोग्राफिक बात कर रहे हैं, हाइड्रो मतलब होता है पानी से रिलेटेड, राइट. तो पानी से रिलेटेड हो गया तो उधर लार्ज वाटर बॉडीज, तो 64 का आपका हो जाएगा A, ठीक है. उसके बाद आता है 65, If a whole circle bearing of a line is 120 degree, तो उसको क्या बोलेंगे, south 20 degree east, south 60 degree east, north 120 degree east, या फिर north 60 degree east. अब देखो जरा, 160 आपका यहाँ कहीं होता है, ये north, south, east, west है, आपका ये 120 degree बोल रहा है. तो अगर हम इसको quadrantal bearing में convert करें तो ये south east, ये वाला हो गया 60 degree, तो मतलब south east, साउथ 60 डिग्री ईस्ट, तो मतलब बी होगा. तो 65 का आपका समझ आ गया होगा आपको कि 65 का बी होगा. गेटिंग, इफ होल सर्कल बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज 120 डिग्री, तो आंसर आपका बी होगा. मूविंग ऑन टू 66 क्वेश्चन, जो कि है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर थियोडोलाइट इज 1 degree, 20 minutes, 20 seconds, या नन ऑफ द अबव. दो टाइप के वर्नियर होते हैं, वर्नियर थियोडोलाइट होता है वर्नियर एंड ऑप्टिकल, ठीक है. तो वर्नियर जो थियोडोलाइट होता है उसका लीस्ट काउंट होता है 20 seconds, ठीक है, और जो आपका ऑप्टिकल होता है उसका 1 second होता है. तो आप ये चीज देख लो, यहाँ पे वर्नियर लिखा है, तो आपका 66 का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 20 second. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू 67th क्वेश्चन, दैट इज बेंचमार्क इज द पॉइंट ऑफ व्हाट, नोन रेफरेंस लेवल, नोन पोजिशन, नोन पोजिशन, या ऑल ऑफ द अबव. देखो दो तो सेम ही है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे. तो आपको पता है बेंचमार्क क्या होता है, एक रेफरेंस, वहीं से मतलब एक रेफरेंस लेवल लेते हैं, वहां से हम कोई भी वैल्यू लेते हैं उसकी, एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं और उसी के रेफरेंस में लेते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन रेफरेंस लेवल, ठीक है. तो 67 का आपका हो जाएगा A. गेटिंग,
मूविंग ऑन टू 68th क्वेश्चन, दैट इज करेक्शन फॉर कर्वेचर ऑफ 1 किलोमीटर इज व्हाट? 0.07857, 0.06735 मीटर, 0.06673 या 0.01121। अब जहां बात करें कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर तो वहां आपकी वैल्यू जाती है 0.0673, ठीक है, तो 35 नहीं हो सकता क्योंकि 5 वैल्यू नहीं होगी, तो 0.673 वाला वैल्यू हो जाएगी ना, तो 0.0673 आपका बी में है, मतलब 35 भी हो जाए तो कोई नहीं, ये वैल्यू चेंज थोड़ी ना होगी, ठीक है, तो 0.0673 और वो आपका और डी स्क्वायर होता है 0.673 डी स्क्वायर, और डी आपका होना चाहिए किलोमीटर्स में, तो वैल्यू क्या है डी की, 1 किलोमीटर, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, ठीक है, तो आपकी वैल्यू 68 की क्या हो गई, बी, तो 68 का आपका आंसर हो गया बी, दैट इज 0.06735। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज 69। इन टेक्योमेट्री सर्वे द एडिटिव कॉन्स्टेंट इज डिनोटेड बाय वॉट? अब देखो एडिटिव कॉन्स्टेंट होता है एक मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे एडिटिव कॉन्स्टेंट पूछा है, तो एडिटिव कॉन्स्टेंट क्या होता है, एफ प्लस डी, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए एफ माइनस डी, एफ प्लस डी, एफ प्लस टू डी, एफ बाई डी, तो ऑब्वियसली आपको पता है एफ प्लस डी है, तो 69 हो गया बी, ठीक है, 69 का आपका हो गया बी। नाउ मूविंग ऑन टू 70th क्वेश्चन, 70th है, एन आइडियल फ्लूइड इज डिफाइंड एज अ फ्लूइड व्हिच इज इनकंप्रेसिबल, नॉन विस्कस, कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल एंड विस्कस, तो आपको पता है इन एन आइडियल फ्लूइड इज डिफाइंड एज अ फ्लूइड व्हिच इज व्हाट, इनकंप्रेसिबल भी है वो और नॉन विस्कस भी होगा, ठीक है, तो 70th का क्वेश्चन, 70th क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ए, ओके, 70th का आपका हो जाएगा ए। Now moving on to 71, that is a Pascal's law state that the pressure at a point is equal in all direction in a static, solid, static, fluid, static, gas या moving fluid. अब बता दो जरा मुझे, static, solid तो हो नहीं सकता, static, gas भी नहीं हो सकता, moving fluid या static fluid होगा Pascal law, ठीक है, हर एक direction में pressure same होगा, तो वो कौन सा fluid होगा, static fluid, getting, तो 71 का आपका हो जाएगा B. Okay, now moving on to 72, that is the notch is used in any tank for channel or channel for measurement of what? Velocity, pressure, discharge या energy. ये notch किस चीज के लिए use होता है? हम notches use करते हैं ना, fluid mechanics में हमें पता है कि notches वाला एक अलग ही chapter है, तो वहाँ क्या use होता है? Velocity, pressure, discharge या energy. तो notch use होता है हमारा discharge के लिए, ठीक है, discharge measurement के लिए, तो 72 का आपका हो जाएगा C. Now moving on to 73rd question, that is Reynolds number is defined as the ratio of what? Inertia force to gravity force, viscous force to gravity force, viscous force to elastic force, या फिर inertia force to viscous force. तो क्या हो जाएगा? सबको पता है कि Reynolds number क्या होता है? Inertia force to viscous force. ठीक है? तो 73 का आपका हो जाएगा D. ठीक है? Now moving on to next, that is 74th question. 74th question क्या बोल रहा है? The ratio of actual discharge of a jet of water to its theoretical discharge is known as what? Coefficient of discharge, coefficient of velocity, coefficient of contraction या coefficient of viscosity. अब देखो ratio किन दो चीज के बीच में है? Actual discharge और theoretical discharge, है ना? तो discharge की बात करी तो obviously coefficient of discharge. तो 74 का हो जाएगा A. अब आज का last question, that is 75th. If the density of a fluid changes from point to point in a flow region, it is called steady flow, unsteady flow, non-uniform flow or compressible flow. अब obviously point to point change हो रही है fluid in a flow region की बात कर रहे हैं ना, तो ये कौन सा fluid हो जाएगा आपका, compressible fluid, ठीक है, compressible flow हो रहा है वहां पे, तो समझ आ रही बात, 75th का क्या हो जाएगा D, ठीक है, this was the last question of our rapid round, rapid fire round. तो आपको पता है कि ये सारा जो हमने सेशन आप लोगों के लिए करा है, आप इन सब सारे क्वेश्चंस को एक बार ढंग से फिर से रिपीट देख लेना, और आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC JEE वगैरह में आपके काम आएंगे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।